नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े MGM अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा लगातार लोगों को ठगा जा रहा था और मरीज लाने ले जाने के एवज में मोटी रकम की वसूली की जा रही थी। इसकी शिकायत लगातार MGM अस्पताल प्रबंधन को मिल रही थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के आदेश होते ही अस्पताल में मौजूद होमगार्ड के जवानों ने सभी प्राइवेट एम्बुलेंस को भगाया और दोबारा यहाँ आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बता दें कि MGM अस्पताल में दूर दराज से गाँव के लोग अपने मरीजों को इलाज के लिए लाते हैं और अस्पताल में दलाल के द्वारा सरकारी एम्बुलेंस को छोड़ प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवा इन लोगों को दी जाती थी और मोटे रकम की वसूली की जाती थी। इसका जो है पार्किंग है, आम पब्लिक के लिए जो है हमारी उपायुक्त महोदय जो है पार्किंग खोली है निःशुल्क, ठीक है। यहाँ एम्बुलेंस खड़ा करने का आदेश नहीं है, आप पेशेंट ले के आते हैं, पेशेंट छोड़िए और पेशेंट ले के जाइए। आपको यहाँ पार्किंग नहीं करना है, आप पार्किंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप पार्किंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है गलत काम कर रहे हैं, पार्किंग नहीं कर सकते। आप लोग होमगार्ड के जवान हैं, आप लोग के यहाँ पे ड्यूटी है, मगर आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं? अभी जो हमको ऊपर से आदेश मिला है, जो हमको खबर आया है, सब हटाना है, उस पर हटाना है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सबको हटा रहे हैं? एकदम हटाएंगे। तो हटाने के बाद तो फिर तो लग जाता है? नहीं लगेगी, ये जिम्मेवारी मेरी है, कैसे लगने देंगे हम? अब लगने आप नहीं देंगे? नहीं लगने देंगे हम, ये आम पब्लिक का निःशुल्क पार्किंग एरिया है और हमारी जो है उपायुक्त महोदय जो है ये गरीब आम पब्लिक के लिए जो है निःशुल्क जो है पार्किंग खोली है। तो ये एम्बुलेंस किसका है, कैसे आया हुआ है? सरकारी है या प्राइवेट है, क्या जानकारी हमको नहीं है, आप वीडियो कैमरा कर लीजिए। तो ये प्राइवेट एम्बुलेंस है ना सारा? ये प्राइवेट एम्बुलेंस, सरकारी तो नहीं है? सरकारी नहीं। कौन लगा रहा है? अगर सरकारी रहेगा तो हमारे MGM का अंदर रहेगा। ये प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लोग हैं। तो कहाँ से इतने एम्बुलेंस आके लगा दे रहे हैं लोग? अब देखिए ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं, क्योंकि बाहर से ज्यादा हम लोग को मैटर में जानकारी नहीं रहता, हम लोग सोचते हैं कि आम पब्लिक को लेके आया है, पेशेंट को पहुंचाने आया है। शिकायत तो मिलती है, आम पब्लिक का पैसा मनमानी मांगते हैं। शिकायत मिली थी उसी के ऊपर आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं सबको, एकदम हटाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार ओझा। शिकायत मिली थी। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।